हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं HSCAP केरला 2020 का ट्रेल अलॉटमेंट रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से आप जो है HSCAP केरला 2020 का ट्रेल अलॉटमेंट रिजल्ट जो है ट्रायल अलॉटमेंट रिजल्ट किस तरह से चेक कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या, उसकी ऑफिशियलिंग आपको कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ फुल डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर HSCAP केरला 2020 और कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ रिलीज होती है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं HSCAP केरला 2020 ट्रेल अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के प्रोसीजर को। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई होगी, उस लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। और जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते आप इस तरह के एक पेज पे आ जाएंगे, न्यू टैब पे आप आ जाएंगे, जहाँ पे आपको इंटरफेस कुछ इस तरह के दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जो है सेलेक्ट कर लेना होगा। लाइक अगर मैं कोलम से हूँ तो मैं कोलम सेलेक्ट करके सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट का बटन दबा देना होगा। जैसे आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको पूरी थोड़ी डिटेल्स भरनी होगी। लाइक सबसे पहले आपको जो है स्कीम सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से SSL स्कीम से, लाइक मैं CBSE तो CBSE सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है, उसके बाद मंथ ऑफ पास सेलेक्ट करना कि कौन से मंथ में आप पास, लाइक मैं जून में तो जून में सेलेक्ट करूंगा। ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना है, जैसे ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट डालना है। अब डेट ऑफ बर्थ डालना है, अब डेट ऑफ बर्थ डालने का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना डेट डालना होगा, डेट के बाद आपको जो है मंथ डालना होगा, और मंथ के बाद आपको जो है यहाँ पे ईयर डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है, कैप्चा जो आपको नीचे यहाँ पे दिया हुआ है सेम टू सेम एज इट इज ऊपर डालना है। अगर आप एक भी लेटर आगे पीछे करेंगे तो आपका कैप्चा जो एक्सेप्ट नहीं होगा, रॉन्ग बताएगा। तो आपको सेम कैप्चा यहाँ पे डालना होगा और सबमिट कर देना है। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे गाइस, तो सबमिट करते ही आपका जो है HSCAP केरला 2020 का ट्रेल अलॉटमेंट रिजल्ट जो आपके सामने आ जाएगा और आप आसानी से वहां से अपना रिजल्ट जो है चेकआउट कर पाएंगे। सो गाइस, आई होप कि अभी आप लोगों को जो है HSCAP 2020 केरला का ट्रेल अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अगर कोई भी इशू फेस होता आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूं, डायरेक्टली आप ऑफिशियल लिंक पे आ जाएंगे, उस पर क्लिक करते ही। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप HSCAP 2020 केरला का ट्रेल अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने में आपकी मदद हुई हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।